करते हैं, आशा खैर आप कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और आप भी ठीक होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी हमेशा खुश है, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी नेक दुआ से करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो आप समझ रहे होंगे कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर नहीं है। हमारे घर के सामने एक घर बन रहा था तो हम उसी घर के छत पे आए हुए हैं और हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा व्लॉग भी हमारा बन जाएगा। तो आज हम आपको कराएंगे अपने गांव का विलेज टूर करवाएंगे आपको, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसलिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने। तो करते हैं अपने विलेज टूर स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, मैं आपको यहाँ से अपना घर भी दिखाती हूँ और आपको ये देखें माशाल्लाह सा कितना प्यारा नज़ारा है। और वो जो है ना सामने हमारा घर, वो देखें जहाँ पर गाड़ी ठहरी है ना वहीं पर हमारा घर है। दादा जान और आयत फातिमा जो है ना, दादा जान आयत फातिमा को उठा के ठहरे हैं, वो देखें वो ठहरे हैं। तो माशाल्लाह से ये हमारे घर के साथ ही ये फार्म है, थोड़ा सा ही पास है। और यहाँ पर जो है ना सुबह सुबह यहाँ पर भैंसों को निकाल दिया, चारा भी डाल दिया। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। देखें माशाल्लाह हमारे घर के सामने जो है ना गंदों में रहा दी है। अब जो है ना हम नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से और अब आपको और जो है ना टूर करवाते हैं। चलें आने जाने का रास्ता है और वो जो है ना मेरे सामने घर है। और पहले मैं कहाँ थी, मैं उस जो गेट खुला हुआ है, मैं पहले उस घर में थी। अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर की राइट साइड पे। यहाँ पर जो है ना सब्जी उगी हुई है, देखते हैं कि कौन कौन सी सब्जी उगी हुई है। यहाँ पर जो है ना बन्ने भी बने हुए हैं। चल तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ खेतों के अंदर। इसे बोलते हैं प्याज का कान, इसे बोलते हैं प्याज का कान। और ये तोड़ के ना, ये खेले बनी हुई है, इस साइड पे लगाएंगे इनको, ये तोड़ के इस साइड पे लगाएंगे। अब चलते हैं आगे, आगे भी चलते हैं। एक साइड पे मर्फ लगी हुई है, एक साइड पे ये प्याज के लिए जगह रखी हुई है। अब चलते हैं आगे। तो ये है जी सब्ज मर्च, यहाँ पर कितनी खूबसूरत लग रही है, ये लगी हुई है, ये देखे माशाल्लाह। और ये पूरी जमीन में पूरी चारों तरफ जो है ना ये सब्ज जो है ना मर्च उगी है और पूरी ज़मीन में। मैं जो है ना इनके दरमियान में ठहरी हूँ, इधर भी सब्ज मर्च है और इधर भी, मैं यहाँ पर आज इसके दरमियान में ठहरी हूँ। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सी सब्जी है। चलें आए फिर आगे भी देखते हैं कौन सी। तो इस साइड पे खेले बनी हुई है, यहाँ पर जो है ना सब्ज मर्च भी उगाई हुई है। इस साइड पर जो है ना सब्ज मर्च उगाएंगे, अभी नहीं उगाई। यहाँ पर जो है ना खेले अभी बनी हुई है, इस पूरी ज़मीन में खेले बनी हुई है, सिर्फ अभी सब्ज मर्च नहीं उगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी सब्जी है। ये देखें यहाँ पर पता नहीं पानी लगा हुआ है या पानी आ रहा होगा। यहाँ मेरे देखें पीछे सब्जी है, चल के देखते हैं ये कौन सी सब्जी है, मुझे तो नहीं पता चल रहा। चलते हैं फिर देखते हैं कि कौन सी सब्जी है। तो हमारे आने जाने का रास्ता देखें कि हम किस तरह से आए हैं, सारा यहाँ पर पानी पानी लगाया जा रहा है ना पानी, इसीलिए। अब चलते हैं कि देखते हैं कौन सी। अब मैं आई हूँ किस जगह पे आई हूँ, ये जगह है जी सब्जी की, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जी गोभी। और मैं आपको एक कुदरत दिखाती हूँ, जब मैं आई हूँ ना वहाँ पर दो लगे हुए थे गोभी के जो है ना, पहले दो लगे हुए थे और यहाँ पर एक लगा हुआ है। चल के आपको दिखाते हैं कि कितने लगे हैं इस पर देखें। तो ये देखें इसमें जो है ना एक लगा हुआ है, ये देखें ये गोभी है, ये देखें ये गोभी है। और वहाँ पर देखें वहाँ पर दो लगे हुए हैं, आपको मैं दिखाती हूँ, दो नहीं तीन चार है। ये देखें एक ये लगा हुआ है, ये देखें एक ये है और एक ये है, तीन और इधर से दो हैं, चार, ये पांच छोटा सा लगा हुआ। इस पे पांच है, उस पे जो है ना दो हैं, इस पे पांच, उस पे दो, एक है। सुबह सुबह पानी, सुबह सुबह सर्दी की वजह से ये देखें पानी, देखें ये देखें ये देखें हाथ, सारे हाथ में मुझे सर्दी लग रही, सारे हाथ भी गीले हो गए। इस पे भी एक दरख्त लगा हुआ है, ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखें ये सब वहाँ से लेकर ये पूरी जो है ना गोभी की फसल है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, वहाँ पर नहीं है और यहाँ पर पूरी लगी हुई है माशाल्लाह, पूरी ज़मीन में फुल भर की लगी हुई है, मुझे तो लगी हुई है। ये देखें कितनी खूबसूरत लगी। यहाँ पर भी दो लगे हुए हैं छोटे छोटे, एक ये और एक ये, देखिए माशाल्लाह। आगे देखते हैं कि कौन कौन सी सब्जी है, देखते हैं कोई सब्जी हो तो चलें फिर देखते हैं। गोभी से जो है ना मैं अंदर से गुजर के जा रही हूँ
ये देखें जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, छोटे छोटे गोभी के जान। ये देखें कि कितना बड़ा, ये देखें। और आगे चलते हैं, ये कौन कौन सी सब्जी है। ये जो है ना पनीर है, ये है सब्ज़ मिर्च की, क्योंकि इस जो है ना इसमें कुछ भी नहीं रहा है इस ज़मीन में। और ये जो है ना तोड़ के इस ज़मीन में लगाएंगे, ये जो खेले बनी हुई है यहाँ पर ये फिर लगाएंगे। इस सब जो है ना ये पनीर है। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है, कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए कितनी प्यारी लगे, सर्दी की वजह से जो है ना यहाँ पर पानी है और खूबसूरत लग रही है। इस पर जो ये देखें ये कितनी खूबसूरत है पूरी, मुझे तो बहुत बिल्कुल अच्छी लगी है, बहुत प्यारी है। ये है जी सब्ज़ मिर्च की पनीर, वहाँ पर लगाएंगे, बिल्कुल खूबसूरत लगी है मुझे ये माशाल्लाह। बड़ी बड़ी पनीर है और यहाँ पर ये देखो छोटी छोटी पनीर है, ये छोटी खूबसूरत, ये बड़ी बड़ी बहुत अच्छी लगी है मुझे और ये छोटी छोटी लगी है। तो अभी जो है ना चलते हैं घर, काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है, चल के खाते हैं पीते हैं। मैंने यहाँ पेट भी खा लिया, सुबह सुबह उठी हूँ तो मैंने बोला आज लोग भी बनाना है सब्जी का, तो चलते हैं अभी घर। और मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया, चलते हैं फिर घर नाश्ता करते हैं और अभी से भी जाके आप मुलाकात। ये देखें अब जो है ना हम वापसी घर जा रहे हैं, ये देखें उसी जगह से जा रहे हैं जहाँ से हम पहले आए थे। अभी जो आए हैं यहाँ पर रोड के साथ भी ये लगी हुई है, यहाँ पर रास्ता है ना, तो यहाँ पर ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। और अब जो है ना घर जा रहे हैं, पर जो है ना टूवल भी लगाई हुई है पानी देने के लिए, ये देखें यहाँ पर कभी कभी आते हैं पानी दे के फिर चले जाते हैं। अब मैं जो है ना घर इंटर हो गई हूँ और साईं अली भी आ गए। साईं अली कैसे हो, अपने व्यूअरों को सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप, तो उम्मीद करते हैं आप सब खैर होफियत हो। चलते चलते हैं अभी जो है ना घर देखते हैं क्या कर रहे हैं। आयत फातिमा कहाँ है और अम्मी जान कहाँ है। और यहाँ पर आयत फातिमा अब्दुल्ला जो है ना झूले में पड़ा है, आयत फातिमा अब्दुल्ले को जो है ना झूठा दे रही है। आयत फातिमा ऐसे क्या कर रही हो, क्या आयत की कितनी प्यारी हो तुम दुआ, ये दूल्हे को अब्दुल्ले को कहती है कि दुआ कहती है। तो मैंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता जो है ना मैंने कर लिया पेट भर के, और अम्मी के पास चलते हैं देखते हैं अम्मी क्या कर रही है। तो अम्मी जी ना यहाँ पर कपड़े जो है ना डाल रही है, शाम को धोए थे तो शाम को सर्दी, आयत का ट्रोज़र जो है ना नीचे गिर गया, लगाएं फिर आयत का ट्रोज़र। ओहो आयत बस ऐसे ही डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, हमारे देखने वाले जहाँ भी हैं हमेशा खुश रहें, आबाद हैं और हंसते मुस्कुराते रहें। यानी यहाँ पर धूप लगवा रहे हैं और पतीली वहाँ पर रख दिया है क्योंकि आयत फातिमा का दूध लेने आए हैं। क्योंकि मैं दूध लेने आती हूँ तो दादा जान बोलते हैं आप ना आओ, आप व्लॉग बनाओ और मैं जो है ना दूध भी ले लूँगा और उसके साथ वो धूप भी लगवा लूँगा, दूध भी ले लूँगा और मैं थोड़ी बाहर धूप भी लगवा लूँगा, इसीलिए दादा जान जो है ना बाहर ठहरे हैं धूप पे। जा रही हूँ दादा जान के छपरे के अंदर, दादा जान के छपरे के कमाल दिखाती हूँ कि दादा जान ने कैसे बनाए। अम्मी भी पीछे आ गई हैं, अम्मी जी दादा जान ने लोग तो जो है गाटर डालते हैं या वो बांस वगैरह डालते हैं, दादा जान ने क्या किया लकड़ी डाल के और उसके ऊपर प्लास्टिक वगैरह डाल दिया है। और ये देखे छपरा माशाल्लाह बड़ा मजबूत है, यहाँ पे हवा नहीं लगती और धूप बड़ी जबरदस्त लग रही है यहाँ पे, ये देखें बहुत धूप लग रही है। तो अम्मी मैं भी ऐसा कह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ जैसे मामू वगैरह का चूल्हा है ना, तो ऐसे हम भी इसके छपरे के नीचे बना लें। हाँ इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे, आपने कमेंट्स में जरूर बताना कि यहाँ हम लोग चूल्हा बनाएं तो सही रहेगा। हाँ जी व्यूअर कमेंट करेंगे तो ज्यादा कमेंट रहेंगे तो फिर करेंगे करेंगे बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। यहाँ पे दादा जान ने जो है यहाँ पे ये लकड़ियाँ रख दी हैं, ये बच्चे चढ़ जाते हैं दीवार के ऊपर और जो है कहीं गिर जाएंगे कोई नुकसान हो जाए, इसलिए दादा जान ने जो है ना ये वो क्या कहते हैं कांटों वाली लकड़ियाँ जो है ना ये खड़ी कर दी हैं ताकि फिर बच्चे ऊपर ना चढ़ सके। बच्चे तो बच्चे हैं खैर, वो तो चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। हाँ जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, हफ्सा की शेयरिंग है आज, बाहर का विलेज व्यू आपने देखा होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी आज की वीडियो आपको, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।